बेटी माँ, आप कहाँ लेकर आ गए हो? अरे तुम ही तो बोली थी राम जी से मिलना है, मिलना है। वही तो ले जा रहे हैं तुम्हें राम जी से मिलवाने। चलो। अरे दादी, इतनी देर क्यों हो रही है? रस्म कब शुरू होगी? अरे हम भी उही के बारे में सोच रहे हैं। सोच के बेचैन है। इन पता नहीं कहाँ रह गई। ए भास्कर, पता चला कुछ नाइन का? तेरी समस्या का सिर्फ एक ही उपाय है और वो शनि देव ही निकालेंगे। है कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी के बीच की रात, जिसमें एक दुल्हन जिसकी हल्दी से मेहंदी तक हो चुकी हो, सिर्फ सिंदूर का दान बाकी हो और उस दुल्हन की बलि देनी पड़ेगी। उस दुल्हन के रक्त से उस काली के बाल धो तो सारी बलाएं टल जाएंगी। तभी तुम्हारे बेटे के सारे दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। कौन हो तुम? और उन बछवा के साथ का काम कर रही थी? आप हैं कौन और इस तरह मुझ पर ही क्यों चिल्ला रही हो? हम तो मामूली सी नाई हैं, शादी का मुहूर्त चढ़ाने आई हूँ। जी, ये जो दूसरी लड़की बैठी है मेहंदी लगवाने के लिए, ये कौन है? हम बताना भूल गए थे, वो दरअसल हमारी होने वाली छोटी बहू है, सुजी मैडम, लंदन से हैं। कौन हो तुम? अरे नाइन है। नाइन हो गया तुम्हारा टाइम, पर तुम हो कौन? ई के पहले तो तुम्हें यहाँ कभी ना देखा भाई। हमने तो फूलवंती को बुलवाया था, हमारे यहाँ का प्रयोजन तो वही करती है। अरे हम उनका मासी हैं, वहाँ बगल वाले गांव से आए थे। हाँ। उनका मिलने, वो बोला मौसी तुम जरा देखाओ, हमारी तो तबीयत खराब है। हाँ। तो हम चले आए। पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के, पतली कमर मटका के नागिन से बल खा के, नैन से नैन लड़ा के दानी चुनर सरगा के, हो जल्दी से दुल्हन को उबटन लगा कर बेहोश कर देंगे और बलि चढ़ाने के लिए बाबा के पास ले ही जाएंगे। माफ करना, थोड़ा जुकाम है ना, इसलिए नाप ढके हुए हैं। लगाई दे। पहले इंद्रा को लगाओ उबटन और फिर मुझे लगाना। अब बलि का बकरा दूर नहीं। क्या कर रही है आप? उपचन गिर गया, उसके लिए इतनी छोटी बच्ची को मार रही है? अरे जो मालिक है, हम कोई तो दोषी ठहराएंगे ना, कौन मानेगा? 10 बारी बनाएगा। मंजरी, तुम बहुत परेशान लग रही। आचार्य जी, हमने गली को कब से नहीं देखा। माता के ताप से तड़प रही होगी बेचारी, और जेठी भाभी पूजा पाठ के लिए बाहर गई है। तो क्या हुआ, वहां त्रिदेवी है ना? और वैसे भी इस रोग में दवाई कोई ज्यादा काम नहीं करती, इंतजार ही करना होता है। अरे दुल्हनिया मैडम, आप आ गई। ई देखो, आपकी दादी माँ भेजी है। ई सगुन है, देखो तो। ई लो। अरे हम तो निकले यहाँ से, अब वक्त आ चुका है
एक कदम उठाने का। अरे हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से इनमें से एक का बलि तो चढ़ानी होगी। पूरा दिन बीत गया, राम जी अभी तक नहीं मिले और मंजी मावा हमारे लिए परेशान हो रही होगी। हमने उनसे एक बार बात भी नहीं की। हम जेठी माँ से कहेंगे कि वापस घर चल, अगर राम जी को अपनी अंगूठी प्यारी होगी तो खुद ही आकर हमसे ले लें। लेकिन जेठी माँ कहाँ है, कहीं बाहर तो नहीं है, देखते हैं हम। अरे अब इन दोनों में से किसको चैन का नींद सुलाए, ये दुविधा का हल कैसे करें? हाँ अकड़ बकड़ बम्बे वो असीनम पूरे सौ सौ।